नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबेट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी से एक वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर आरओबी बिग बाजार के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक हल्दी कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल हल्दी कारोबारी को पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के हुमाद गली निवासी हल्दी कारोबारी पंकज कुमार सिन्हा उर्फ पिंकू कुमार के रूप में की गई है, जो कि मारूफगंज में अपना कारोबार करता था। बताया जाता है कि हल्दी कारोबारी पंकज कुमार सिन्हा उर्फ पिंकू कुमार अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक चाय की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान बाइक पर सवार दो की संख्या में अपराधी मौके पर आ धमके और उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। गोली क्यों मारी गई, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखा बरामद किया है। घटना के बाद पटना सिटी डीएसपी अमित सर ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। पटना सिटी डीएसपी ने जल्द ही हत्यारों की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। पटना सिटी स्टेशन के पास नया मॉल खुला है, वहीं पे चाय दुकान पे गोली मार दिया। गोली कितना, क्या नाम क्या है? पिंकू कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस है, दुकान है मारूगंज मंडी। क्या चीज का? हल्दी का। हल्दी का क्या उसमें लूट उठ के? नहीं, स्टेशन पर आके खड़ा थे, उसमें मार दिया घर बगल में। कारण किस तरह चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। ये पता चला कितने के संख्या में अपराधी आए थे? क्या दो आदमी था, बाइक से आया था, बाइक से आके लगा के गोली। सिटी में घटना घट रही है, प्रशासन के ऊपर क्या कहना, सरकार के ऊपर क्या कहना था? प्रशासन तो पटना सिटी में ऐसा है दृश्य कि हर एक दिन मर्डरे हो रहा है, लूटे हो रहा है, और पुलिस तो अपना खाली वो अपना काम कर रहे हैं, लेखा जोखा और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। हुई है क्या हुआ? देखिए, चौक थाना में बिग बाजार के पास एक व्यक्ति है पंकज कुमार सिन्हा, उनकी दो अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। सर, क्या छानबीन में क्या मिला? देखिए, अभी तो हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं। वहाँ पे उनका एक दोस्त है मिराज, उसी के साथ था वहाँ पर। तो अभी हम लोग समझ आएंगे उसे खंगाल रहे हैं कि कौन कौन था, क्या था, किसके द्वारा उसने मारा। क्या लूट वूट का भी मामला आ सकता है? मामला नहीं है, झगड़ा था, आपसी झगड़ा को लेकर। सर, क्या अपराधी की शिनाख्त हुए, कहीं कुछ पता चला है? हम पता कर रहे हैं।